क्योंकि उन्होंने अपनी फीस निकालनी होती है मिडिल क्लास फैमिली से मोस्टली आते हैं जो स्टूडेंट आते हैं जो कंप्लेन करते हैं लोग कि भाई ये घंटे ज़्यादा काम कर रहा है जो कहते सच कड़वा होता है यार मेरे से ना कई लोग ये सवाल पूछते हैं खासकर आज कल कि भाई 24 घंटे की लिमिट आ गई है पर वीक 48 घंटे पर फोर्थ तो क्या हम मतलब टी एन पर काम कर नहीं सकते अब ए बी एन पे कर लें क्या अब ये जो आंसर मैं बताने वाला हूँ ना उसमें कई लोगों को बुरा लगने वाला है क्या करें हर किसी को खुश नहीं कर सकते लेकिन जो रियलिटी है उस पर बात करेंगे इससे पहले ये सिस्टम समझ लेते हैं कि ए बी एन का क्या सिस्टम है लोग क्यों कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा काम कर लें या ना करें या ये जो कई यूट्यूबर्स ने शोर मचाया हुआ है कि कर लो कोई टेंशन नहीं है ए बी एन पे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले आप लोग समझते हो कि आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इमीग्रेशन से टैक्सेशन ऑफिस से ज्यादा स्मार्ट हो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो उनसे अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना तो भाई उधर ही रह लो इधर क्या करने आना है आधी से ज़्यादा दुनिया इधर भाग के क्यों आ रही है क्योंकि ऑफकोर्स जॉब्स नहीं है अपने कंट्री में एक तो ये सिस्टम है दूसरा है सिस्टम एक सिस्टम पे चलता है यहाँ पे सारा कुछ अगर ये सिस्टम भी अपने जैसा मुल्क जैसा हो गया फिर तो मतलब फेल सिस्टम फिर हमें कहीं और कंट्री ढूंढना पड़ेगा कहीं जाने के लिए तो आपको ये रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि ये जो आप कई सोच रहे हैं ना स्टूडेंट्स के हम कोई जुगाड़ मंदी कर लेंगे या ऐसा कर लेंगे या गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना लेंगे गवर्नमेंट को तो क्या ही बेवकूफ़ बनाओगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आप मतलब वो तो सोचें मत ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या करोगे आप जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं न जो आने वाले हैं या फिर उनके लिए सिस्टम मुश्किल कर दोगे और कुछ नहीं करोगे क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो आ गए फिर गवर्नमेंट को पता लग जाएगा किसने किसी ना किसी टाइम पे सिस्टम समझ आ जाएगा वो वो सिस्टम बंद कर देंगे पूरी तरह तो मेरे हिसाब से मेरा शॉर्ट आंसर सुनना चाहोगे तो भाई लिमिट में रह के काम करो चाहे ए बी एन है चाहे टी एफ एन है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि यार ए बी एन पे कर लेंगे कौन सा किसी को पता लग रहा है कितने घंटे काम कर रहे हैं खुद का ये तो इन वॉइस है लेकिन अगर आपको पहले मैं उबर ईच और डो डैश की एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ हर एक घंटे का हर एक मिनट का हिसाब होता है उन एप्स पे। तो मैंने एन एस जे वाई से उनसे तो बात होती रहती है तो उनके साथ मैंने बात की थी रिसेंटली मैंने उनको कहा था कि एक स्क्रीन भेजना ज़रा तो मैं स्क्रीन इधर दिखा दूंगा आपको आप देख लेना ये स्क्रीन तो इसमें क्लियरली आपको पता लग जाता है कि कितने घंटे आपने काम कर लिया है हर चीज़ ट्रैक हो रही है इन ऐप्स पर तो ये तो सिस्टम मतलब भूल ही जाओ ना कि आप उबर डोर डैश और किसी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे एक्स्ट्रा घंटे कर लोगे ए पे निकाल दो मन से क्योंकि ये सारी रिपोर्ट इमिग्रेशन टैक्सेशन ऑफिस को सीधी जाती है और उनको मतलब कि कोई मुश्किल काम तो नहीं निकालनी है डिटेल्स दूसरी बात आ गई अब ए बी एन पर दूसरे काम करने जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर पे काम कर रहा है क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर ये वो तो करते कैसे हैं ये लोग पहले मैं वो वो समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का जरा क्लियर हो जाए दिमाग इस चक्कर में भी आप, आप तीस जून से पहले की स्टोरी पकड़ लेते हैं मान लो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो काम कर रहा है क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर तो पचास घंटे काम कर रहा है वो क्योंकि अलाउड थे भाई तीस जून से पहले और एस्टिटेड चलो उसको जस्ट रैंडम नंबर दे रहा हूँ को मैं लीगली तो वो कम ही है क्योंकि लीगली इस टाइम तेईस डॉलर तेईस सेंट है मिनिमम पे रेट लेकिन मान लो बीस डॉलर एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए वो बीस डॉलर पे काम कर रहा था बंदा पचास घंटे तो उसके हजार डॉलर एक हफ्ते में बन रहे थे अब क्या करे सिस्टम ये मतलब कि जो जॉ जौ, जॉजी सिस्टम बनाने का सिस्टम लोग सोचते हैं ना वो अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे ऐसा करता हूँ तेरे को इन्वॉइस ही भेजना है मैं उल्टा कर देता हूँ सारा सिस्टम मतलब बीस घंटे काम करूंगा और पचास डॉलर पर काम करूंगा तो हजार डॉलर फिर भी बन रहे हैं ना मेरे काम मैं पचास घंटे ही करूँगा लेकिन हमने सिस्टम उल्टा कर दिया मतलब पचास डॉलर में मांगूँगा उसके ये सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम लोग सोचते हैं या यू नो करने की कोशिश करते हैं कि पेरियड बढ़ा दें घंटे कम कर लें ये डॉजी सिस्टम जो करते हैं ये लोग इसमें अब क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार ए बी एन है ना, तो मेरा खुद का बिजनेस मैं कुछ भी कर सकता हूँ कितने भी पैसे मांग सकता हूँ तो यार आप लोग समझ रहे हो कि ए वाले अगर आपके पीछे पड़ गए और आपके नंबर निकाल नहीं हो तो वो क्या बेवकूफ बैठे हैं क्या आपको लगता है कि आप दिखा दोगे कि मैंने 20 घंटे काम किया 50 डॉलर पे, तो वो पूछेंगे आपसे कि भाई एक दिन में तूने क्या उखाड़ लिया कि तेरी पे रेट 20 डॉलर से सीधी 50 डॉलर हो गई है क्या मतलब तूने ऐसा कोई चमत्कार कर दिया है क्या कोर्स कर लिया है या कोई ऐसी अपस्किलिंग कर ली है कि मतलब कुछ भी मतलब वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं यार अगर उन्होंने पकड़ना है ना आपको तो फिर कहीं से भी पकड़ लेंगे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आप पकड़ते हैं ना वैसे तो जो उनको चक होता है एक तो रैंडम होता है कि कंप्लीटली रैंडम नंबर पकड़ लिए कि कितने घंटे काम के लिए कर लिए इस बंदे ने तो नंबर निकाल लिए उसके और उठा लो और कई होते हैं कंप्लेंट के साथ जो कंप्लेंट करते हैं लोग कि भाई ये घंटे ज़्यादा काम कर रहा है या फिर वो खुद ब खुद चेक करते रहते हैं कि ये सिस्टम मतलब ऊबर ऐप्स ऊबर ईट्स वगैरह डोर डैश एप्स जो जो भी हैं ऐप्स वगैरह उनसे वो कन्फर्मेशन और डिटेल्स लेते रहते हैं तो इनको सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं भाई आप कितने घंटे काम कर रहे हो तो ये सारा सिस्टम ना अगर आप देखो तो बचना मुश्किल हो जाता है मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि रिस्क आपका खुद का है कॉन्सिक्वेंसिस भी आपके खुद के ही हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो करियर तो मतलब एक बार इस कंट्री से निकल गए निकाले गए तो मतलब मुश्किल हो जाएगा किसी और कंट्री में भी जाना अब अब स्टूडेंट्स बेसिकली एक्स्ट्रा घंटे काम करना क्यों चाहते हैं पहले तो ये समझ लें उसकी बैकग्राउंड वो है क्योंकि उन्होंने अपनी फीस निकालनी होती है भाई मजबूरी यार बंदे की मैं समझता हूँ कि हमारे पास फीसें इतनी नहीं हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से मोस्टली आते हैं जो स्टूडेंट आते हैं कोई रजवाड़ों की फैमिली से बहुत ही कम आते हैं इधर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो बहुत ही ज़्यादा लोग जो आते हैं वो अपनी कोशिश लाइक यू नो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और कोशिश पूरी करते हैं कि अपनी फ़ीसें निकाल लें इसलिए ही घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कोई गाड़ियाँ ले रहे हैं आके सीधी कोई महंगी शौक़ पूरे कर रहे हैं ये वो ऐसा सीन नहीं है तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा मैंने एक्चुअली रिसेंटली एक वीडियो बनाई है कि कैन यू पे योर फीस बाई योर सेल्फ उसमें आंसर सीधा शॉर्टकट बताऊँ अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया सिस्टम अगर आप पूरा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के चलते हो जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट जो आते हैं वो करने मास्टर करने आते हैं उनके तो चार सेमेस्टर होते हैं मोस्टली चार सेमेस्टर्स की फीस पे करनी होती है जितना टाइम फ्रेम आप रहोगे मोस्टली दो साल तक रहोगे आप मास्टर्स करने में आपकी दो साल में कंप्लीट हो जाएगी मास्टर्स एक्चुअली होती है थोड़ी जल्दी है लेकिन अराउंड अबाउट टू ईयर्स लग ही जाते हैं तो चार सेमेस्टर हो गए उन दो सालों में आप कम से कम दो या ढाई सेमेस्टर की फीस तो निकाल सकते हो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो के भी आ, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर में समर सेमेस्टर में ब्रेक मिल जाएगी एक्स्ट्रा काम कर लोगे उसमें तो आपकी मतलब दो ढाई फीसें निकल सकती हैं एक या दो फीसें एक दो टर्म की फीसें हैं जो वो, वो मुश्किल हो जाती हैं उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सिंपल सुजेशन है लोन ले लो थोड़ा एजुकेशन लोन फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन अपने पर्सनल सिचुएशन पर्सनल रिलेटेबल सिचुएशन और मेरे जो दोस्त जिन्होंने सारों ने अभी तक यू नो पी वगैरह सेटल हो चुके हैं सभी ने यही काम किया था उन्होंने एक दो किस्तें लोन की ले ली थी वो धीरे धीरे पे करते रहे यार अगर आपको देखा जाए तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल रहा है कई सालों का अब उसमें सब सिस्टम मोस्टली सेट हो ही जाता है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लोन लेना ही पड़ेगा या आपकी खुद की अपनी प्रेफरेंसेस है वो आप रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेटर है लेकिन जो मेरे हिसाब से सिस्टम बेस्ट है वो यही है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान दें पढ़ाई पर और कोशिश करें कि जो यू you नो know, आपकी फ़ीसें हैं जहाँ अपने घर वालों से मंगवाएं या यू you नो know, कोशिश करें कि लोन से करें क्योंकि आप लोन उतार सकते हो अगर आपके पास स्टडी के बाद थोड़ा टाइम होगा ही एज़ अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तो उसमें आप कोशिश करें कि सारा लोन उतर जाए तो ऐसा ही मैंने तो एग्जैक्टली exactly यही सिस्टम अपनाया था मैंने लॉन्ग टर्म अप्रोच ली थी भाई अपने पढ़ना ध्यान से है तो उस पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो जो करने आए हो वो मिशन अकम्पलिश होने के बाद जॉब अच्छी ढूंढो मिलेगी घंटे उसके बाद जब आपकी स्टडी खत्म होगी तो जितने मर्जी घंटे काम करो कोई चक्कर ही नहीं है मतलब तो ये आपको समझ आना चाहिए सिस्टम के सिस्टम कैसा चल रहा है अगर आप कोशिश कर रहे हो या समझ रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना देंगे तो ऐसा मैंने बता दिया कि वो आपको एक लिमिट तक ही आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो और उसके बाद अगर तो पकड़े गए वो बेवकूफ़ बनाते हुए तो खुद बेवकूफ बनोगे या फिर जो आने वाली जनरेशन हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा करोगे तब तक फिर गवर्नमेंट समझ जाएगी ना कि क्या सीन चला रहे हो तो ये थी वो टॉपिक पे बात जो आप बहुत ज़्यादा पूछते हो कि भाई हम लाइक एडिशनल आवर्स कर लें ए बी एन पर ये वो तो सिस्टम डॉट जी है वो मेरे हिसाब से तो रिस्क मत लें अब इन्होंने स्ट्रिक्ट होना ही होना है ये तो पक्की बात है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इन्होंने नंबर कंट्रोल रखने हैं अब तो आप कोशिश करें कि आप उन स्टूडेंट्स में ना आएँ जो यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे तो क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने फिर भी माना थोड़ी है करनी है तो करो कॉन्सिक्वेंसिस भी आपके खुद के हैं तो ये जो वीडियो थी इसी टॉपिक पे थी कोई ज्यादा एडिट उडिट नहीं सीधी चढ़ा देंगे ऐसे ही तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी कई लोगों को नहीं लगी होगी आई अंडरस्टैंड क्या करें अब रियलिटी जो करें सच कड़वा होता है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक एज ऑलवेज सी यू इन द नेक्स्ट वन वही कदम